दो दिसंबर 2022 को मूवी फरह रिलीज़ होती है जिसके बाद इसराइल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और इसराइल में हज़ारों की तादाद में लोग नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था कि इसराइल की फाइनेंस मिनिस्टर और इसराइल की कल्चर मिनिस्टर मीडिया पर आकर ये बयान देती हैं कि ये फास्ट नरेटिव के ऊपर है और इससे इसराइल की सालमियत को खतरा है आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारा इसराइली डराइटर हो चुका है और इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर प्रोटेस्ट इसराइलियों की तरफ से जारी है इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए क्या ये वाकई मूवी देखने के काबिल है या नहीं है हाँ अपने तरस की पहली मूवी नहीं है बल्कि इससे पहले कश्मीर फाइल रिलीज़ हो चुकी है जिसके अंदर कश्मीर में होने वाले हिंदू मैसेकर को कवर अप किया गया है अब उसके बाद ये फरहा मूवी रिलीज हुई है जिसके अंदर मुस्लिम मैसेकर जो कि इसराइली फोर्स की तरफ से किया गया था वो प्रेजेंट किया गया सबसे पहले तो हम फरा मूवी की स्टोरी को रिव्यू करते हैं ये मूवी एक चौदह साल लड़की की गिर घूमती है जो कि नाइनटीन में पलस्टीन में रह रही होती है और एक मुस्लिम खानदान के अंदर रह रही होती है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर नकबा जिसे आम इंग्लिश में कैटास्ट्रोफी के तौर पर ट्रांसलेट किया जा सकता है कि गिद घूमती है अब नकबा वो इंसिडेंट था कि जब यू ने इसराइल को क्रिएट किया था पैलेस्टाइन के अंदर नाइनटीन के अंदर और यहूदी जिनकी आबादी तकरीबन सिक्स से टेन परसेंट थी उनको टू थर्ड एरिया दे दिया गया था लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश नहीं हुए और उन्होंने जो पेलेसटाइन एरिया था उनके ऊपर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की और इस कोशिश के नतीजे में उन्होंने तकरीबन सात लाख पचास हज़ार पैलेस्टाइनस को उनके घरों से निकाल दि निकाल दिया और इसके अलावा हज़ारों लोगों को मार दिया गया प्रॉपर विलेजेस स्वैप किए गए पूरे पूरे घरों uh, को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया इवन दो साल और और तीन साल बच्चों को भी uh, नहीं इस मूवी में नकबा की जो इंसिडेंट है उनको फिल्माया गया अब उसमें यह होता है कि जो चौदह साल लड़की है उसके वालदे को इसराइली सोल्जर्स आके मार देते हैं इवन इसके दो साल भाई को भी नहीं छोड़ते हैं और ये लड़की छुप कर uh, एक कमरे के कोने में uh, यह इंसिडेंट एक क्लॉजिट uh, के अंदर से देख रही होती है इस इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर बनाकरल के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर जो इसराइली फोर्सेस हैं उनके जुल्म को बड़े बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया तो इसराइल के मुताबिक ये उनकी सालमियत के लिए ख़तरा है और एक फेक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश है इसके अलावा उन्होंने एंटी सेमिटिज़म यानी कि ये ज्यूस के ख़िलाफ़ एक साजिश भी करार दिया गया है ताकि इसे काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बैन किया जाए ये मूवी एक साल पहले रिलीज़ हो चुकी थी लेकिन तब नेटफ्लिक्स में नहीं आई थी और लेबनान जैसे लेबनान और अरब जैसे दो तीन कंट्रीज़ के अंदर ही चल रही थी इसलिए जैसे ये नेटफ्लिक्स पर आई है और उसकी स्ट्रीमिंग जो है वो ग्लोबल हो चुकी है तो इसराइल की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया अगर आप आई एम बी डी पर जाएँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में फ़ेक इसराइली अकाउंट ने इस मूवी को वन रेड किया है इसके अलावा ट्विटर और बाकी स्पेशस के ऊपर भी इसके खिलाफ मुकम्मल एहत चल रहा है लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके स्क्रीन शॉट जो है वो अपलोड कर रहे हैं ताकि नेटफ्लिक्स किसी तरीके से ये मूवी स्ट्रीम ना होने दें लेकिन अभी तक तो नेटफ्लिक्स इस डिमांड्स के ऊपर झुकते नज़र नहीं आ आते डायरेक्टर और जो राइटर हैं दारु असलम अगर हम उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्टोरी है ये रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस है दार्सलम के मुताबिक ये स्टोरी उनकी वालदा को फरहान ने ख़ुद सुनाई थी जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उन उनके अपनी जिंदगी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है तो वो ये समझती हैं कि ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी ये स्टोरी मैं काफ़ी सालों से कैरी कर रही थी और अब मैंने इस, इस मूवी की शक्ल देकर हमेशा के लिए महफूज कर दिया है और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आ, हिस्ट्री है उसके जो इंसिडेंट है उसको कंसील करने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत को सामने लेके आना चाहिए अगर हम इस मूवी की सक्सेस देखें तो सबसे पहले एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड के अंदर इसे बेस्ट यूथ अवार्ड मिला है जिसके अलावा ऑस्कर के अंदर भी इसकी नॉमिनी हो चुकी है तो ये ऑस्कर के अंदर प्रेजेंट की जाएगी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने यह मूवी देखी है आप आई एम बी डी पे जाएँ और इसकी रेटिंग जो है वो इम्प्रूव करें ताकि जो इसराइली प्रॉपरगंड है उसके खिलाफ जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट हो सके और एक हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दबाया ना जा सके किसी भी प्रेशर के